सर्ग का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुने प्रकृति से पहले महतत्व की सृष्टि हुई, इसे ब्रह्म सर्ग समझना चाहिए। दूसरी तन्मात्राओं की सृष्टि हुई, इसे भूत सर्ग कहा गया है। तीसरी वैकारिक सृष्टि है, इसे ऐन्द्रियक सर्ग कहते हैं। इस प्रकार ये बुद्धिपूर्वक प्रकट हुआ प्राकृत सर्ग तीन प्रकार का है। चौथे प्रकार के सृष्टि को मुख्य सर्ग कहते हैं। मुख्य नाम है स्थावरों, वृक्ष, पर्वत आदि, जो तिर्यक श्रोता कहा गया है, अर्थात जिससे पशु पक्षियों की उत्पत्ति हुई है, वो तर्यगोन्न सर्ग पांचवा है। ऊर्ध्व श्रोताओं की सृष्टि को देव सर्ग कहते हैं, वो छठा सर्ग है। इसके पश्चात अर्वाक्त श्रोताओं की सृष्टि हुई, यही सातवां मानव सर्ग है। आठवां अनुग्रह सर्ग है, जो सात्विक और तामस भी है। ये अंत वाले पांच वैकृत सर्ग हैं और आरंभ के तीन प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। प्राकृत और विकृत सर्ग तथा नौवें प्रकार का कौमार सर्ग, ये कुल नौ सर्ग ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, जो इस जगत के मूल कारण है। ख्याति आदि दक्ष कन्याओं से भृगुवादि महर्षियों ने ब्याह किया। कुछ लोग नित्य, नैमित्तिक और प्राकृतिक इस भेद से तीन प्रकार की सृष्टि मानते हैं। जो प्रतिदिन होने वाले अवान्तर प्रलय से प्रतिदिन जन्म लेते रहते हैं, वो नित्य सर्ग कहा गया है। भृगु से उनकी पत्नी ख्याति ने धाता विधाता नामक दो देवताओं को जन्म दिया तथा लक्ष्मी नाम की कन्या भी उत्पन्न की, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। इंद्र ने अपने अभ्युदय के लिए इन्हीं का स्तवन किया था। धाता और विधाता के क्रमशः प्राण और मुकरंडु नामक दो पुत्र हुए। मुकरंडु से मार्कंडेय का जन्म हुआ, उनसे वेदशिरा उत्पन्न हुए। मरीचि के संभूति के गर्भ से पौर्णमास नामक पुत्र हुआ और अंगिरा के स्मृति की गर्भ से अनेक पुत्र तथा सीनी वाली कुहु, राका और अनुमति नामक चार कन्याएं हुई। अत्रि के अंश से अनसुईया ने सोम, दुर्वासा और दत्तात्रेय नामक पुत्रों को जन्म दिया। इनमें दत्तात्रेय महान योगी थे। पुलत्स मुनि की पत्नी प्रीति के गर्भ से दत्तोली नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुलह से क्षमा के गर्भ से सहिष्णु एवं सर्वपादिक का जन्म हुआ। कृतु के सन्नति से बालखिल्य नामक 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अंगूठे के पोरों के बराबर और महान तेजस्वी थे। वशिष्ठ से ऊर्जा के गर्भ से राजा गात्र, ऊर्ध्व बाहु, सवन, अनध, शुक्र और सुतपा, ये 7 ऋषि प्रकट हुए। स्वाहा एवं अग्नि से पावक, पवमान और शुचि नामक पुत्र हुए। इसी प्रकार अज से अग्निशवात्त, बहिर्षद, अनग्नि एवं साग्नि पितर हुए। पितरों से स्वाधा के गर्भ से मेना और वैधारिणी नामक दो कन्याएं हुई। अधर्मा की पत्नी हिंसा हुई, उस दोनों से अमृत नामक पुत्र और निकृति नाम वाली कन्या की उत्पत्ति हुई। इन दोनों ने परस्पर विवाह किया और इनसे भय तथा नरक का जन्म हुआ। क्रमशः माया और वेदना इनकी पत्नियां हुई। इनमें से माया ने भय के संपर्क से समस्त प्राणियों के प्राण लेने वाले मृत्यु को जन्म दिया और वेदना ने नरक के संयोग से दुख नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसके पश्चात मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से एक रोता हुआ पुत्र हुआ, जो रुदन करने के कारण रुद्र नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा हे द्विज, उन पिता महाब्रह्मा जी ने उसे भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव आदि नामों से पुकारा। रुद्र की पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष पर कोप करने के कारण देह त्याग किया और हिमवान की कन्या रूप में प्रकट होकर पुनः वे शंकर जी की ही धर्मपत्नी हुई। किसी समय नारद जी ने ऋषियों के प्रति विष्णु आदि देवताओं की पूजा का विधान बतलाया था। स्नान आदि पूर्वक की जाने वाली उन पूजाओं का विधिवत अनुष्ठान करके स्वयंभू मनु आदि ने भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त किए थे। विष्णु आदि देवताओं की सामान्य पूजा का विधान। नारद जी बोले, अब मैं विष्णु आदि देवताओं की सामान्य पूजा का वर्णन करता हूँ तथा समस्त कामनाओं को देने वाले पूजा संबंधी मंत्रों को भी बतलाता हूँ। भगवान विष्णु के पूजन में सर्वप्रथम परिवार सहित भगवान अच्युत को नमस्कार करके पूजन आरंभ करें। इसी प्रकार पूजा मंडप के द्वार देश में क्रमशः दक्षिण वाम भाग में धाता और विधाता का तथा गंगा और यमुना का भी पूजन करें। फिर शंक निधि और पद्म निधि, इन दो निधियों की द्वार लक्ष्मी की, वास्तु पुरुष की तथा आधार शक्ति कूर्म, अनंत, पृथ्वी, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की पूजा करें। तदनंतर अधर्म आदि का, अर्थात अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और
अनैश्वर्य का पूजन करे तथा एक कमल की भावना करके उसके मूल, नाल, पद्म, केसर और कर्णिकाओं की पूजा करे। फिर ऋग्वेद आदि चारों वेदों की, सतयुग आदि युगों की, सत्व आदि गुणों की और सूर्य आदि के मंडल की पूजा करे। इसी प्रकार विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा आदि जो शक्तियां हैं उनकी पूजा करें तथा प्रहलदी, सत्या, ईशा, अनुग्रहा, निर्मल मूर्ति दुर्गा, सरस्वती, गण, गणेश, क्षेत्रपाल और वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि का पूजन करें। इसके बाद हृदय, सिर, चूड़ा, शिखा, वर्म, कवच, नेत्र आदि अंगों की, फिर शंख, चक्र, गदा और पद्म नामक अस्त्रों की, श्रीवत्स, कौस्तुभ और वनमाला की तथा लक्ष्मी, पुष्टि, गरुड़ और गुरुदेव की पूजा करें। तत्पश्चात इंद्र, अग्नि, यम, मृति, जल, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा और अनंत, इन दिक्पालों की, इनके अस्त्रों की, कुमुद आदि विष्णु पार्षदों या द्वारपालों की और विश्वक्सेन की आवरण मंडल आदि में पूजा आदि करने से सिद्धि प्राप्त होती है। अब भगवान शिव की सामान्य पूजा बताई जाती है। इसमें पहले नंदी का पूजन करना चाहिए, फिर महाकाल का, तदनंतर क्रमशः दुर्गा, यमुना, गण आदि का, वाणी, श्री, गुरु, वास्तुदेव, आधार शक्ति आदि और धर्म आदि का अर्चन करें। फिर वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कलवीकरणी, बलवीकरणी, बल प्रमथिनी, सर्वभूत दमिनी और कल्याणमय मनोमन्नी, इन नौ शक्तियों का क्रम से पूजन करें। हा 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 शिव मूर्तये नमः। इस मंत्र से हृदयादि अंग और ईशान आदि मुख सहित शिव की पूजा करें। हौ शिवाय हौ इत्यादि से केवल शिव की अर्चना करें और हां इत्यादि से ईशान आदि पांच मुखों की आराधना करें। हरि गौरी नमः, इससे गौरी का, और गंग गणपतये नमः, इस मंत्र से गणपति की, नाम मंत्रों से इंद्र आदि दिक्पालों की, चंडकी और हृदय, सिर आदि की भी पूजा करें। अब क्रमशः सूर्य के पूजा के मंत्र बताए जाते हैं। इसमें नंदी सर्वप्रथम पूजनीय है, फिर क्रमशः पिंगल, उच्चैश्रवा और अरुण की पूजा करें। तत्पश्चात प्रभूत, विमल, सोम दोनों संध्याकाल, परसुख और स्कंद आदि के मध्य में पूजा करें। इसके बाद दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विद्युता तथा सर्वोत्मुखी, इन नौ शक्तियों की पूजा होनी चाहिए। तत्पश्चात ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकाय सौराय पीठाय नमः। इस मंत्र से सूर्य के आसन का स्पर्श और पूजन करें। फिर ओम खखोलकाय नमः। इस मंत्र से सूर्य देव की मूर्ति की उद्धावना करके उसका अर्चन करें। तत्पश्चात ओम हां हीं सं सूर्याय नमः। इस मंत्र से सूर्य देव की पूजा करें। इसके बाद हृदयादि का पूजन करें। ओम आम नमः, इससे हृदय की। ओम अकार्य नमः, इससे सिर की पूजा करें। इसी प्रकार अग्नि, इश और वायु में अधिष्ठित सूर्य देव का भी पूजन करें। फिर ओम भूभुर्वस्वः ज्वालिन्नमय शिखाय नमः, इससे शिखा की। ओम कवचाय नमः, इससे कवच की। ओम भात्र नेत्राभ्यम नमः, इससे नेत्र की। और ओम अकारतास्त्राय नमः, इससे अस्त्र की पूजा करें। इसके बाद सूर्य की शक्ति रानी संध्या की तथा उनसे प्रकट हुई छाया देवी की पूजा करें। फिर चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, क्रमशः इन ग्रहों का और सूर्य के प्रचंड तेज का पूजन करें। अब संक्षेप से पूजन बतलाते हैं। देवता के आसन, मूर्ति, मूल, हृदय आदि अंग और परिचारक, इनकी ही पूजा होती है। भगवान विष्णु के आसन का पूजन ओम श्री श्रीधरा हरि हरि इस मंत्र से करना चाहिए। इसी मंत्र से भगवान विष्णु की मूर्ति का भी पूजन करें। ये सर्व मूर्ति मंत्र है, इसी को त्रैलोक्य के मोहन मंत्र भी कहते हैं। भगवान के पूजन में ओम क्लंग ऋषिकेशाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, इन मंत्रों का उपयोग करें। संपूर्ण दीर्घ स्वरों के द्वारा हृदयादि की पूजा करें, जैसे ओम आम हृदयाय नमः, इससे हृदय की। ओम ईशिरी से नमः, इससे सिर की। ओम ओम शिखाय नमः, इससे शिखा की। ओम ऐं कवचाय नमः, इससे कवच की। ओम ऐं नेत्राभ्याम नमः, इससे नेत्रों की। और ओम ओम अस्त्राय नमः, इससे अस्त्र की पूजा करें। पांचवी अर्थात
परिचारकों की पूजा संग्राम आदि में विजय आदि देने वाली है। परिचारकों में चक्र, गदा, शंख, मूसल, खड्ग, श्रांग धनुष, पाश, अंकुश, श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, श्री, इस बीज से युक्त श्री महालक्ष्मी, गरुड़, गुरुदेव और इंद्रादि देवताओं का पूजन किया जाता है। इनके पूजन में प्रणव सहित नाम के आदि अक्षर में अनुस्वार लगाकर चतुर्थी विभक्ति युक्त नाम के अंत में नमः जोड़ना चाहिए, जैसे ओम चक्राय नमः, ओम गदाय नमः इत्यादि। सरस्वती के आसन की पूजा में ओम एदैव्य सरस्वतय नमः इस मंत्र का उपयोग करें और उनके मूर्ति के पूजन में ओम हिम देवय सरस्वतय नमः इस मंत्र से काम लें। हृदय आदि के लिए पूर्ववत मंत्र हैं। सरस्वती के परिचारकों में लक्ष्मी, मेघा, कला, तुष्टि, पुष्टि, गौरी, प्रभा, मति, दुर्गा, गण, गुरु और क्षेत्रपाल की पूजा करें तथा ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र से गणेश की, ओम हिं गौर्यै नमः इस मंत्र से गौरी की, ओम श्री श्रीयै नमः इससे श्री की, ओम श्री त्वरिताय नमः इस मंत्र से त्वरिता की, ओम एक्लिसौ त्रिपुराय नमः इस मंत्र से त्रिपुरा की पूजा करें। इस प्रकार त्रिपुरा शब्द भी चतुर्थी विभक्त तंत हो, अंत में नमः शब्द का प्रयोग हो। जिन देवताओं के लिए कोई विशेष मंत्र नहीं बतलाया गया है उनके नाम आदि में प्रणव लगाएं, नाम के आदि अक्षर में अनुस्वार लगाकर उसे बीज के रूप में रखें तथा पूर्ववत नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति और नमः शब्द जोड़ लें। पूजन और जप में प्रायः सभी मंत्र ओमकार युक्त बताए गए हैं। अंत में तिल और घी आदि से होम करें। इस प्रकार ये देवता और मंत्र धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाले हैं। जो पूजा के इन मंत्रों का पाठ करेगा वो समस्त भोगों का उपभोग कर अंत में देवलोक को प्राप्त होगा।